कार्तिक माह के अध्याय 11 की कथा सुनने मात्र से छप्पर फाड़ बरसेगा रुपया पैसा व प्यार। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 11वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। देख पराक्रम असुर का विष्णु हुए प्रसन्न, मांगन चाहे मांगले इच्छित वर संपन्न। नारद जी बोले, इंद्रादि देवता दैत्यों को फिर आता देख करके भयभीत होकर के भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की स्तुति करने लगे। कच्छ मच्छ आदि रूप धारण करके भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, ब्रह्मा विष्णु शिवादि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा शंख पद्म और खड्ग धारण करने वाले तथा गदा शंख पद्म खड्ग धारण करने वाले आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे असुर निकंदन गरुड़ नायक पीताम्बरधारी यज्ञादिक क्रियाओं के भोक्ता अविकारी शरणागत त्राता, हम आपको बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्यों के दुखों को विध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्रधारी आपको बारंबार नमस्कार है, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं के संकटों को जान लिया तथा क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर के लक्ष्मीपति दीनानाथ प्रभु लक्ष्मी से बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख दे रहा है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे? श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा, ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से यह जालंधर दैत्य मारने योग्य नहीं है, तथापि मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा, क्योंकि देवताओं को लगातार यह पीड़ित कर रहा है, उनको त्रास दे रहा है, इसलिए देवताओं की रक्षा के लिए मुझे जालंधर से युद्ध करना ही होगा। नारद जी बोले, यह कहकर भगवान श्री नारायण गरुड़ पर बैठ करके वह देवता जहां स्तुति कर रहे थे वहां पर पधारते हैं। इसके बाद गरुड़ के छोटे भाई और गरुड़ के पंखों की वायु से बबूला जैसे उड़ाए गए वह सभी दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर नामक दैत्य दैत्यों की वायु पीड़ित देख करके आकाश में विष्णु के पास गए और वहां पर बड़ा भारी युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने बाणों से दैत्य के ध्वजा छत्र और घोड़ा काट दिए और एक बाण उसके हृदय में मारा। उस दैत्य ने भी गरुड़ के माथे में गदा मार करके उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। भगवान विष्णु ने हंस करके उसकी गदा काट दी, तब उसने भगवान विष्णु के हृदय में जोर से घूंसा मारा। वे दोनों जब मल्ल युद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोटू की मार से पृथ्वी शब्दायमान हुई। वे दोनों अच्छी प्रकार से युद्ध करने लगे, तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग ले, नहीं देने योग्य भी वरदान मैं तुमको दूंगा। जालंधर बोला, हे भावुक, जो आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी कहते हैं कि भगवान नारायण ने कहा कि बहुत अच्छा। ऐसा कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी के सहित जलंधर के पुर में यानी उसके नगर में पधार गए। महाबली जलंधर उन देवताओं को दैत्यों को सौंप करके पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध तथा रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य इनको अपने राज्य में बसाकर वह त्रिलोकी का राज्य करने लगा। वह पितातुल्य धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। मैं एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने वहां रह रहे भगवान के दर्शन हेतु उसकी राजधानी में पहुंचा।
और वहां पहुंच करके भगवान श्री हरि नारायण और लक्ष्मी की स्तुति की। इस प्रकार यह 11वें अध्याय की कथा का यहाँ पर समापन होता है। इसके बाद हम आपको एक पौराणिक कथा जो लौकिक कथा आती है वह सुनाएंगे। एक सास ससुर थे, उनकी 7 बहुएं थी। सास बहुत तेज थी, महीने पहले से ही बहुओं से कहने लगी कि बहुओं लीपो पोतो आई दिवाली, तो बहुएं लीपे ने लगी पोतने लगी। जब दिवाली आई तो सास ने खूब सारे पकवान बनाए और दिवाली की पूजा की। बहुओं के लिए मांड बना करके थालियों में रख करके कोठा में रखाई। कोठा में जब मांड रखा था उसमें उस मांड में चूहिया गिर गई। सास ने अब सबके लिए भोजन परोसा तो ससुर बोले कि बहुओं को भी भोजन परोसो, तो सास बोली तुम जाकर खाओ, बहुएं बाद में खा लेगी। ससुर बोले नहीं, पहले बहुओं को परोसो तभी हम खाएंगे। सास बहुओं से बोली तुम भी कोठा में जाकर के खाना खा लो। तब बहुओं ने कोठे में जाकर देखा तो वहां मांड में चूहिया पड़ी हुई थी। उनमें से छोटी बहू ने चूहिया की पूछ पकड़ ली और मांड में घुमाते हुए कहने लगी कि लीपो पोतो आई दिवाली, कान खुजारी पूछ पुछारी, अहो सास तिहाय यही दिवाली, लीपो पोतो आई दिवाली। ससुर ने पूछा कि यह बहुए क्या कह रही है। ससुर से सास बोली कुछ नहीं कह रही है, उन्हें शर्म तो है ही नहीं कि ससुर जी खाना खा रहे हैं और जोर जोर से बोल रही है, चिल्ला रही है। जब उन्होंने मान रखा देखा तो सास से बोले कि बहुओं को ऐसा भोजन, यह कह करके उन्होंने मान फिकवा दिया और उनके लिए भी सभी प्रकार के पकवान तैयार करवाए और उनके लिए अच्छे अच्छे भोजन भिजवाए। जिस तरह उन लोगों ने इतनी अच्छी तरह दिवाली मनाई वैसे ही सबके यहाँ दिवाली मनाई जाए। एक अंधी बुढ़िया कहती थी कि मेरे कोई घर का रखवाला नहीं है, नहीं तो मैं कार्तिक में जाकर के स्नान करती। एक दिन भगवान ने सोचा कि यह रोज ऐसे ही कहती है, अतः इसको कोई रखवैया देना चाहिए। तब भगवान की कृपा से उसके हाथ में झलोरी हुई और झलोरी में से एक मेंढक पैदा हुआ। मेंढक बोला मैं घर की रखवाली करूंगा, तुम जाकर के कार्तिक स्नान कर लो। अब वह मेंढका को घर में छोड़ करके कार्तिक नहाने जाती थी। एक दिन वहां राजा का स्वयंवर था, सब लोग देखने जा रहे थे, मेंढका भी स्वयंवर देखने चला गया। राजकुमारी 3 बार उसमें आई और 3 बार मेंढका के गले में जयमाला डाल गई। अब तो उसका ब्याह मेंढका के साथ करना ही पड़ गया। सब पड़ोसिन कहने लगी कि बुढ़िया तेरा मेंढका बहू लेकर के आ रहा है। बुढ़िया बोली मेरी क्यों हंसी कर रही हो, वह तो कुचल करके मर गया होगा। पड़ोसिन बोली तू सच न माने तो बाहर जाकर के देख ले। जैसे ही बुढ़िया ने बाहर आकर देखा तो वह अंधी से सूझती हुई हो गई और बहुत खुश हो गई। एक दिन बुढ़िया बोली बहू न जाने तेरे भाग्य में क्या लिखा है, न यह सुने न बोले न कुछ काम करे, है तो मेंढक ही ना। और वह बहू एक दिन बोली कि मेंढका तो आपके लिए है, मेरे लिए तो यह कुंवर जी है। ये दिन में तो मेंढका बन रहे और रात में कुंवर जी बन जाए, आपको यदि विश्वास न हो तो आज रात में आकर के देख लेना। ऐसा कहकर बहू ने सास को एक कोने में छिपा दिया। रात हुई और मेंढका आया, उसने अपना मेंढका का चोला उतार करके सुंदर कुंवर रूप बना लिया। अब तो मैया ने कुंवर का हाथ पकड़ लिया और बोली बेटा तेने मोह से क्यों छिपाई किया। बेटा बोला मां तुमको दोष न लगे इस कारण मैंने छिपाव किया, तेरे बुढ़ापे की लाज मैंने बचाई, अब मैं तेरे साथ का बेटा हूं, मैं तेरे सत का बेटा हूं। बुढ़िया ने सब जगह कह दिया कि मेरा यह सत का बेटा है, यह तो मेरे यहां मेंढक का रूप धर करके आया है। भगवान ने जैसे उस बुढ़िया को कार्तिक स्नान का पुण्य प्रताप के प्रभाव से एक राजकुमारी से उसकी बहू बना दी और उसका एक बेटा भी उसे प्राप्त हो गया, इसी प्रकार कार्तिक मास के पुण्य प्रताप से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसके घर में धन वैभव संपत्ति सब कुछ उसे प्राप्त होती है।
कार्तिक स्नान मात्र से, कार्तिक की कथाओं को सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह भगवान श्री हरि नारायण के लोक वैकुंठ लोक में चला जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण रामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायक रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, आप सभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।